बीजेपी का मुकाबला किससे है 2024 में? देखिए, बीजेपी का 2026 सन में बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं, अपने से ही है। मतलब आगे का परफॉर्मेंस हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? नीतीश कुमार, देखिए, मैं असम में लास्ट टाइम आई गॉट 9 सीट, अभी मेरा मुकाबला मुझसे ही है, 9 से 10 कैसे मिल सकता नहीं, मैं नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार जी भारत में ऐसा एक राजनीतिविद है कि ही नीड सपोर्ट सिस्टम। कोई दूसरा पार्टी का जब तक ऑक्सीजन नहीं होता है तब तक वो तो कुछ नहीं बन पाते, आज तक तो अपना बलबूटी में तो कुछ वो बना नहीं है। तो इसीलिए मैं नीतीश कुमार जी को इतना ग्रेड में रखना नहीं चाहता हूँ। ममता बनर्जी, देखिए, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, उनका वोट शेयर है, वोट बैंक है। बीजेपी लड़ाई करेगा, बीजेपी फाइट करेगा, जो 6-7 स्टेट में हमारा कंपटीशन है वो कंपटीशन में 2026 में बीजेपी आगे निकल जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट बीजेपी हैज टू फाइट विद बीजेपी। मैं कह रही हूँ, एक जो विपक्षी खेमा इस वक्त बिल्कुल बन गया है। कल आपको पता है ना, नीतीश कुमार ने कहा आपको 50 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। देखिए, मैं बोला ना, नीतीश कुमार जी को अपना राजनीति को जब तक किसी का ऑक्सीजन नहीं मिलता है वो राजनीति नहीं कर पाते हैं। अगर वो बोला है 50 से कोई नहीं मिला है, मतलब उनका मन में है कि दिस टाइम अपोजिशन को 50 ही मिलेगा। किसलिए कोई मोदी जी 50 से ज़्यादा नहीं मिलेगा कोई बोल सकता है? मतलब वो अपना बारे में बोल रहे हैं कि टोटल अपोजिशन विल गेट 50। भारत में अभी मोदी जी का सामने करने वाला नेता आज का दिन में भारत में नहीं है। मैं नाम गिना रही हूँ ना सर, एक सेकंड, जो खुद कह रहे हैं ये सब केसीआर अभी गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ना आपने सर? देखिए, ये सब जो नाम आप गिनाने का कोशिश करूंगा, आप क्या नाम बोलेगा वो मैं भी जानता हूँ, बट ये क्या है, एक सागर एक और तालाब का आप क्या क्या कंपैरिजन करेगा? मोदी जी सागर है और ये लोग तालाब है। विपक्ष ये कह रहा है ये आप लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं, अब हालात बड़े खराब हो गए हैं। मैं एक बार बस कंप्लीट कर दूं, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई, आपको पता है ना बड़ा मोर्चा है, एक तो भारत जोड़ो और दूसरा है महंगाई, उस पर कांग्रेस पूरी तरीके से अब सड़कों पर उतरने वाली है। विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद हो गया है और वो ये कह रहा है कि अब बहुत हो गया है, ये देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और अब 2024 नया सवेरा होगा। देखिए, 2016 में भी नया सवेरा होने का बात था, फिर 2019 में भी नया सवेरा होने का बात था, 2026 में भी नया सवेरा होगा जरूर, लेकिन वो मोदी जी का नेतृत्व में ही होगा। बिहार कैसे छिटक गया फिर आपके हाथ से? बिहार कैसा छिटक गया है, हम तो जीता चुनाव में। नहीं, चुनाव जीते लेकिन सरकार तो किसी और की बनी ना। तो कोई भी दिन आपको मैंने चुनाव जिताया, एक साथ मिल के जीता, कल आप बोला कि नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तो जरूर वो उसमें लोगों का रिफ्लेक्शन कहाँ है? नहीं तो वो तो नीतीश कुमार हैज नॉट गन बैक टू पीपल ऑफ बिहार अगेन कि मैं अभी आगे जाके बीजेपी का साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मोदी जी का साथ एक मंच में ही मैं चुनाव कैंपेन किया था, मोदी जी को बड़ा बना के मैं वोट लिया था, अभी मैं लालू का वहाँ जाना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझको राय दीजिए। कहीं उन्होंने राय लिया क्या? ये इसको तो बिट्रेल बोलता है ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।